कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। बैटरी की बात क्यों हो रही है? क्योंकि कैपेसिटर को अगर हमने चार्ज क्यू देना है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, ये लो दो प्लेट्स हैं, मैंने क्यू चार्ज दे दिया, दो प्लेट्स हैं क्यू चार्ज दे दिया। भाई क्यू चार्ज दिया कैसे, कैसे दिया? बैटरी से दिया। तो पहले थोड़ा सा बैटरी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे बैटरी। तो बैटरी देखने में ऐसी है, एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा, बड़ा हमेशा पॉजिटिव, छोटा हमेशा नेगेटिव। बड़े वाला का पोटेंशियल मान लो V2, छोटे वाले का पोटेंशियल मान लो V1। तो इस और इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को या तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ क्यों बोलते हैं? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिखाऊंगा इसका नाम ईएमएफ क्यों रखा गया। पर हाँ, आज की डेट में और आप एक सेल लेके आते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, आप सेल के अंदर देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव बने होते हैं, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी ईएमएफ है, 10 वोल्ट या वी 10 वोल्ट है। अब इमेजिन करो कि अगर ये बैटरी है और बैटरी ने कैपेसिटर को क्यू चार्ज दे दिया, चलो क्यू चार्ज दिया पॉजिटिव, तो बैटरी ने इसके लिए वर्क डन किया। कई लोग ये समझ नहीं पाते, वो ये सोचते हैं कि बैटरी के पास तो बहुत सारे चार्ज लेके बैठी है, तो बस आप कैपेसिटर ने कहा दियो थोड़ा चार्ज, उसने कहा ये ले पकड़ चार्ज, दूसरे का चार्ज ये ले पकड़ चार्ज, फिर खाली होगी बैटरी। ऐसे नहीं होता, बैटरी के पास चार्ज होता ही नहीं, बैटरी के पास एनर्जी होती है। चार्ज नहीं है बैटरी के पास, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। दिखाता हूँ कैसे। बैटरी ने अगर क्यू चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर ला दिया, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, चार्ज इनटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ई लिखो या वी लिखो एक ही बात है। तो ये हुआ कैसे, इसको समझाता हूं मैं। तो बैटरी के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वापस आ जाओ। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, तो एक वायर है, आपने सुना होगा ओम्स लॉ, तो उसमें यह सीखा होगा अगर यह हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, तो हायर और लोअर पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इज I इनटू R। सुना हुआ है आपने? ऐसे नहीं सुना, आपने सुना V इज इक्वल टू IR। तो एक्चुअल में छोटी क्लास में V1 V2 लेते ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल सिखाया ही नहीं, होता ही नहीं, वो सिखाएंगे भी कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया है बस, वो कहते हैं कि यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका डिफरेंस देते हैं V 10 वोल्ट इज इक्वल टू IR आंसर। लेकिन अब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, V1 V2 लेंगे। तो क्योंकि हायर लोअर, तो पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डेफिशिएंसी। तो मतलब खाली सीटें मूव कर रही है फ्रॉम हायर टू लोअर, ऐसे थोड़ी ना होता है। पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी है, मतलब मेरी जेब में सारे पैसे गिर गए, खाली जेब है, खाली जेब मूव कर रही है, ऐसे नहीं होता। मूव वायर में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, पॉजिटिव डेफिशिएंसी है, वो तो पहली खाली पड़ी है सीट, उसने क्या मूव करना, नेगेटिव मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मैं वैसे सिखा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज अगर होता और मूव कर पाता, तो मूव करता फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करता है, तो करंट उल्टी डायरेक्शन मूव करता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन के हमेशा ऑपोजिट है। तो एक नया रूल, करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, करंट भी हायर से लोअर मूव करता है। हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना नहीं है, तो हम यहां करंट स्टडी नहीं करेंगे। अब स्पेशल केस ये है कि आपने ओम लॉ लगा के प्रोड्यूस तो कर दिया, मान लो आपने एक ऐसी वायर यूज की जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, है ही नहीं बिल्कुल, ऐसी दुनिया में ऐसी वायर है नहीं, पर चलो मान लिया ऐसा है। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर को क्या पुट करेंगे, जीरो, तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा, V1 V2, डिफरेंस जीरो है ना। तो अगर एक वायर की रेजिस्टेंस नहीं है और यहां पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसके इस कोने पे भी क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 10 वोल्ट मिलेगा। ऐसी वायर में करंट मूव नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, तभी तो ओम लॉ बना, अदरवाइज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। क्लियर है? तो क्योंकि इस चैप्टर में जो हम वायर यूज करेंगे उसकी रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए इस कोने और इस कोने का पोटेंशियल क्या करेंगे, सेम करेंगे। और अगले चैप्टर में हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो यहां का पोटेंशियल डाउन रखेंगे, यहां का अप रखेंगे, डिफरेंस हो जाएगा उसमें, ठीक है, पर अभी नहीं, अभी सेम होगा। तो आप ये समझें कि अगर ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है, तो
तो अगर ये प्लेट V1 पोटेंशियल पे है क्योंकि इस वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली कितने पोटेंशियल पे हो जाएगी, प्लेट V1। और अगर ये V2 पोटेंशियल पे है तो ये भी ऑटोमेटिकली V2। सिंपल। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स का भी हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम डेवलप हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? कैपेसिटर की चार्जिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, ये रहा कैपेसिटर और ये रही बैटरी, ठीक। तो सपोज करो ये पॉजिटिव या नेगेटिव और ये कैपेसिटर सी है। कैपेसिटर की प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ठीक है, कंडक्टर है। बैटरी के पास एनर्जी है, बैटरी ने अपनी जेब से चार्ज नहीं देना। आप सोचो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, कुछ नहीं करती बैटरी, का कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है नहीं। बैटरी को पता है कि यहाँ पर ये मेटल की प्लेट है और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसके इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी और वायर के थ्रू निकाल देगी। तो इसके ऊपर क्या जाएगी, डेफिशिएंसी। मान लो चार इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो चार की डेफिशिएंसी हो गई। बैटरी के पास एनर्जी है, वो एनर्जी से बैटरी क्या करेगी, इस प्लेट को सप्लाई कर देगी। वो चार इलेक्ट्रॉन यहां से घुमा के इस प्लेट को दे देगी, तो इसके पास चार के क्या हो गए, एक्सेस हो गया। तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे। आप ये बोल सकते हो इंडक्शन हो गई, आप ये बोल सकते हो बैटरी ने काम किया। जब तक बैटरी में एनर्जी है तब तक वो चार्ज को मेंटेन करके रखेगी। अगर बैटरी कमजोर पड़ गई और खत्म हो गई तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अपनी डेफिशिएंसी पूरा कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएगा कैपेसिटर, खत्म, कोई चार्ज नहीं। दूसरा केस, आपने बैटरी लगाई, चार्ज हो गया कैपेसिटर, फुली चार्ज है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से। पहली स्टेज ये थी जब बैटरी ऑन हुई और ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निकले थे और यहां से यहां गए थे, उस दौरान वायर में क्या था, करंट भी था, शुरू में करंट था। पर ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है, राइट। तो अब क्या हुआ, बैटरी ने सारे इलेक्ट्रॉन यहां सप्लाई कर दिए। अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये वायर का पोटेंशियल, क्योंकि करंट कब तक जाएगा, करंट तब तक जाएगा जब तक यहां का और यहां का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम, कभी तो हो ही जाएगा। तो करंट मूव करना यहां पर बंद हो जाएगा, तभी तो बोलते हैं जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वायर में करंट मूव नहीं करता। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देता, शुरू में होने देता है, लेकिन वो हम स्टडी नहीं कर रहे कि शुरू में क्या हुआ था। हमारा क्वेश्चन इस स्टडी स्टेट पे होगा, स्टडी स्टेट का मतलब है फुली चार्ज पे होगा। हमें न्यूमेरिकल गिवन होगा कि ये चार्ज है, फुली चार्ज है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। हमारा न्यूमेरिकल ये नहीं होगा कि आपने बटन ऑन किया, करंट गया, फिर करंट जीरो हो गया, ना, करंट जीरो ही मिलेगा आपको इस चैप्टर में। हाँ, करंट को स्टडी नहीं करेंगे, करेंगे वो अगले यूनिट में करेंगे कि कितना करंट उसमें शुरू में गया था, वो कैलकुलेट करो, पर अभी नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमें सब स्टैटिक दिखेगा, हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं दिखेगी। तो आपको पिक्चर ही ये खींच के देखा कि हमने बैटरी लगा रखी थी और इसमें अब कोई करंट नहीं है, लेकिन कैपेसिटर फुली चार्ज है। तो ऐसा नहीं है करंट होता नहीं है, बहुत छोटा करंट होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, फिर एकदम फुली चार्ज होता है कैपेसिटर, फिर कोई करंट नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे चार्जिंग है बैटरी की, क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल।